आपका प्यार सदाबहार बनाए हमारी वीडियो में। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कर देना चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले दोस्तों। उम्मीद है कि आपने यार चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, अपने भाई को सपोर्ट भी कर दिया होगा। तो दोस्तों प्लीज़ रिक्वेस्ट है यार सपोर्ट करना चैनल को सब्सक्राइब करके। तो चलो दोस्तों वीडियो में बढ़ते आगे। तो दोस्तों मैं कई दिनों के बाद जो है कि ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, तो उसके इश्यूज़ बहुत थे जो मैं बता नहीं सकता, आगे के वीडियो में बयां कर दूँगा। तो गाइस कम से कम लगभग मुझे मान के चलो कि 2-3 महीने हो गए थे ब्लॉग शूट नहीं कर रहा था। तो उसकी वजह थी काम, क्योंकि कुछ काम भी मैं कर रहा था और कुछ बिल्कुल भी टाइम नहीं लग पा रहा था। तो दोस्तों आज है संडे और हम कर रहे हैं अभी जादू में पौधों की तैयारी। तो देखो गाइस अभी लगभग मैंने इतने लोड कर दिए, अभी पूरी इसको फुल करनी बाकी है। और अभी छत पे कुछ पौधे निकाले हैं, देखो मैंने छोटे वाले कपड़े धो करते हैं एक बाल्टी। और अभी बाबू है जो सो रहा है, देखो पालने में किस तरह सो रहा है, मस्त नींद ले रहा है। ये रात ना पूरी रात जागता है और अपनी माँ को भी जगाता है, दिन भर सो लेगा और अपनी माँ को रात में जगाएगा। तो चलो गाइस अभी हम चलते हैं छत पे, अभी जो मैंने पौधे निकाल रखे हैं उसको अभी है हमें लोड करना। तो गाइस अभी हम छत पे चल रहे हैं और जो मौसम है ना, आज का मौसम भी बहुत मतलब कि बादल से छाए हुए हैं आसमान में। देखो आसमान में कुछ बादल छाए हुए हैं। तो अभी देखो हमारे घर की गार्डनिंग है, देखो दोस्तों फूल ही फूल है गुलाब के। ये मैंने दोस्तों निकाल रखे हैं जो लेके जाने हैं, और ये है गर्मियों का पौधा और ये हैं इनके मालिक जो कि सारे तैयार करते बाबा पौधे हमारे। देखो भाई गार्डनिंग कितनी हरी भरी सी लग रही है ना। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना कि हमारी गार्डनिंग आपको कैसी लगती है, और अब डेली रूटीन में आपको हम गार्डनिंग भी दिखाएंगे। और गाइस ये देखो ये है जीनिया जो कि गर्मी का पौधा, और दोस्तों हम ये शम्मी लेके आए हुए थे 1000। तो देखो गाइस ये चल रही है, इसकी डिमांड इस टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है शम्मी की, क्योंकि जो तकरीबन जैसे कि दिसंबर या जनवरी का महीना ख़त्म होता है ना, तो उस टाइम पे शम्मी मिलती नहीं है, सबकी लगभग सूख जाती है। तो इस वजह से हम लेके आए थे, बहुत छोटी छोटी थी, अभी हमारी भी आधी मर चुकी है। चलो चलते हैं नीचे, मैं आपको अभी दिखाता हूँ और फटाफट से मैं अपनी रेडी जो यानी जादू है उसे लोड करता हूँ, फिर बाद में भी कंटिन्यू मिलेंगे। तो उससे पहले मैं दिखा देता हूँ जो शम्मी हमारी सूखी हुई है। तो गाइस ये शम्मी लगभग डाउन पड़ चुकी है, और जो ऊपर छत पे थी वो चल गई लगभग। तो देखते हैं ये फूटती है कि नहीं। तो गाइस चलते हैं यार फटाफट से, मैं अपने जादू को लोड कर लूँ, बाद में कंटिन्यू करेंगे। तो बने रहिए हमारी वीडियो में, बढ़ते हैं आगे। तो गाइस हम हो चुके हैं रेडी। तो देखो हमने अपने जादू को भी तैयार कर लिया, तो अब निकल रहे हैं काम के लिए। तो तब तक वीडियो हमारा साथ देना। चलो गाइस चलते हैं, अब शाम को देखेंगे जो कंटिन्यू ब्लॉग होगा। तो देखो मम्मी खड़ी हुई है गेट पे छोड़ने के लिए। चलो गाइस चलते हैं। यानी मैं आया था लेट काम पे से, तो लगभग मुझे 8 बज गए थे। तो 8 बज के फिर मैं गया पापा के लिए जूस लेके आया और अपनी दवा लेके आया, अच्छी हो रही है बलगम वाली। तो यार बहुत ज़्यादा मतलब छाती से भी दर्द कर रही थी मेरी, तो जस्ट अभी मैं दवा लेकर आया, अभी अनीता के भी लेके आया था, उसको भी थोड़ा प्रॉब्लम था। तो अभी जस्ट हम दोस्तों घर पहुँचे हैं, तो मैं बिस्तर में लेट गया हूँ, अभी डिनर वगैरह करेंगे। देखते हैं डिनर में मम्मी क्या बना रही है। तो अभी दोस्तों डिनर आपको दिखाएंगे क्या बना रहे। चलो गाइस वीडियो बनाएंगे। देखो रोटी है और मम्मी ने बनाया है मटर और पनीर एंड चावल। तो दोस्तों मतलब कि जो हमारा दूध पड़ा हुआ था उसको फाड़ के मम्मी ने पनीर बनाया। चलो दोस्तों फटाफट से करते हैं डिनर, तो आप भी हमारे साथ कर सकते हो। तो दोस्तों हम कर लेते हैं डिनर, फिर उसके बाद का ब्लॉग यहीं समाप्त होता है। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। बाय बाय।